हेलो एवरीवन दिस इज रुपाली आप सभी का स्वागत है स्पायरिंग टीचर्स में सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी को वेरी गुड इवनिंग इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएड करने के बाद एक टीचर की सैलरी कितनी होती है और क्या बीएड करते ही आप लोगों को आप लोगों की जॉब लग जाती है या नहीं लगती है क्या डिफरेंस है इसके अंदर ये चीज़ हम लोग इसको क्लियर करेंगे देखिए सबसे पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ एक टीचिंग फील्ड में घुसने के लिए आप लोगों को एक टीचिंग डिग्री चाहिए होती है प्रोफेशनल डिग्री तो बी एड जो है आप लोगों के सिक्स टू ट्वेल्थ क्लास को पढ़ाने के लिए आपकी ये बी एड की डिग्री है राइट इलेवेंथ ट्वेल्थ तो वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी कर सकते हो बट जो बेसिकली बी एड होता है वो सिक्स टू टेंथ के लिए होता है राइट सिक्स टू ट्वेंथ के लिए होता है आप लोगों का उसके बाद अगर आपको दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं आपके एक आपका आता है प्राइवेट जॉब मैं दोनों की ही बात करूंगी ठीक है दोनों में कितनी सैलरी है और एक आता है आपका पब्लिक सेक्टर मीन्स की गवर्नमेंट जॉब अब यहाँ से बी में अगर आपको बी करके डायरेक्टली प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब लेनी है तो आपको मिल जाती है बट डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसी हैं और रिक्वायरमेंट है या नहीं है आपके नियर बाई स्कूल्स के अंदर तो अराउंड आपके बी करने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी यहाँ से तो वो आप लोगों की अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम और लोएस्ट भी टेन थाउजेंड से लेकर आपका मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक जाएगा या आप लोगों की सैलरी प्राइवेट स्कूल के अंदर होगी वो डिपेंड करेगा कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड भी आपको तब तो मिलेगी जब आप लोग अच्छा स्कूल होगा वेल सी बी एस सी नॉर्म्स को फॉलो अप कर रहा होगा तो आप लोगों की भी इतनी होगी उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप लोगों की मिनिमम टेन थाउजेंड सेवन थाउजेंड भी होती है कई स्कूल के अंदर वो डिपेंड करता है तो बी एड के बाद आपके प्राइवेट जॉब के अंदर मैक्सिमम इतनी सैलरी होती है बट अगर बात करें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको जॉब लेनी है सबसे पहले तो बीएड के बाद आपको सी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा या फिर कोई भी जो स्टेट टेट एग्जाम्स होते हैं वो आपको क्वालिफाई करना होगा उसके बाद आप लोगों के पास डेली के अंदर आ जाती है डी ट्रिपल एस बी जो कि परमानेंट सेलेक्शन प्रोवाइड करता है के एक सेंट्रल स्कूल एग्जाम है एन है ई e है ठीक है ए डब्ल्यू ई एस है तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं जो आपको एक प्राइवेट पब्लिक के अंदर मीन्स ही गवर्नमेंट सेक्टर में एक परमानेंट जॉब आप यहाँ से ऑफर करती है तो ये एग्जाम्स आपको क्लियर करने होंगे तब जाके आपका एक परमानेंट जॉब लगता है ठीक है तो यहाँ से आप लोगों के अगर यहाँ से एग्जाम्स क्लियर कर लिए सीटेड भी कर लिया बाकी यहाँ से कर लिया है सारे डी ड्री प्लेस भी है के बी एस कोई भी एग्जाम आपने किया है तो उसके करने के बाद आपकी जो सैलरी लगेगी वो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो फोर्टी थाउजेंड से होती है ठीक चालीस हजार से होती है फोर्टी थाउजेंड से वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो आपकी मैक्स टू लेके चले हम लोग तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड तक वो जाती है तो ये एक डिफरेंस है पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो मैंने बेसिकली एक सैलरी को डिफाइन किया है कि ये ये सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है अब ये आप लोगों का डिसीजन है कि आपको बीएड करने के बाद एक मतलब कि इनकम सोर्स चाहिए देन गो फॉर द प्राइवेट आप लोग आप लोगों को वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा थोड़े से स्किल्स डेवलप हो जाएंगे आपके इतने आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहो अब वो क्राइटेरिया आपका है कि आप किस तरह से यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं और किस तरह से आप लोगों को अपना करियर आगे बनाना है या प्राइवेट सेक्टर में बनाना है या फिर गवर्नमेंट के अंदर तो ये आप लोगों की कॉल है ये बेसिकली मैंने सैलरी का क्राइटेरिया बता दिया उसी तरह से ही आपको अपने लिए मेहनत करनी है बेसिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली आपका गवर्नमेंट जॉब बेटर रहती है आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं टाइम ऑफ रिटायरमेंट और बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट स्कूल में एक मतलब पूरा आप लोगों से काम लिया जाता है हर एक चीज तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर के अपने अलग बेनिफिट्स हैं बट दोनों आप लोग जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हैं तो बेसिकली याद रखिएगा हमें मेहनत करनी है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बी हम लोग कर रहे हैं और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि बी के भी जो मेरिट होती है मार्क्स होते हैं वो जब डी ट्रिपल एस भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक काउंट होती है मेरिट का मतलब कि इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं तो एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना आप लोगों की जिम्मेदारी है जो भी बी कर रहा है अब जो बी कर रहा है और आपको भी एक स्पेसिफिकली यहाँ से टूएल्व प्रोग्राम्स की क्लासेस चाहिए देन आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लासेस ठीक है आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की ही क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं बाकी आप लोगों को डायरेक्टली एनरोल करना है तो आप एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 पॉइंट जीरो एप्लीकेशन एस्पायरिंग टीचर्स टू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्टली अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं जो कि आपको जो टारगेट लेके चल रही हूँ मैं 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट का लेके चल रही हूँ और आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्लासेस आपका क्लास का पीडीएफ पीवाईक्यू पेपर पीडीएफ हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी मतलब एक बेहतर तैयारी आपको करवाई जाएगी ओके चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी